हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में बोलते हैं भाजकता के नियम। बोले तो कि आपके पास ना कोई भी नंबर है और आपको ये बताना है कि उस दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बिना डिवाइड करे आप कैसे बता सकते हैं कि हाँ एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारी कैलकुलेशन को ना बहुत फास्ट करता है। इसको सीखने के बाद देखना कि आप डिविजन वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी कर देंगे। मानिए एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, आपको बाकी चैप्टर्स में काफ़ी यूजफुल होगा। तो आपको ना इस वीडियो को ना अंत तक देखना है ताकि फिर आपको ना अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में ना मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका नियम क्या होता है, 4 का क्या नियम होता है, 8 का, 16 का, 5 का, 25 का, 125 का, 3 का, 9 का, 10 का, 6 का, 12 का, 15 का और 18 का। तो ये सारे नियम मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, तभी तो पता लगेगा ना इस टॉपिक में हम करने वाले क्या हैं। तो देखिए, ए नंबर एक्स इज सेट टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर वाई इफ इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय वाई। देखिए, कोई भी नंबर आपके पास x है और अगर x y से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब x y से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि x ना y से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब पूरा पूरा डिवाइड का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा डिवाइड का मतलब ये होता है कि अगर मैं x को ना y से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, शेषफल जीरो आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या 15 5 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे हाँ 15 5 से डिविजिबल है। क्यों कहेंगे? क्योंकि 15 को ना 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि जब मैं 15 को 5 से काटूंगा तो 3 आएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 15 5 से डिविजिबल है तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा कि आप 5 को ना उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और 15 आ जाए। जैसे 5 इंटू 3 15 होते हैं, इसलिए 15 क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो ये मतलब होता है डिविजिबिलिटी का, कि कोई भी नंबर x y से तभी डिवाइड माना जाता है अगर x को y से डिवाइड करे और x y से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, दैट मींस शेषफल जीरो आ जाए। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा रूल। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी नंबर को ना 4 से डिवाइड किया, बताइए कि वो नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपके पास एक तरीका क्या है कि आप उस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखें, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर 4 से डिवाइड है। लेकिन नहीं, इस क्लास को देखने के बाद आप बिना डिवाइड करे बता देंगे कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं है। अब दोस्तों, मैं वो रूल सारे स्टार्ट करता हूं, लेकिन रूल स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें बता दूं, 0 के बारे में और 1 के बारे में। जैसे 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। 0 को छोड़कर आप 0 को दुनिया में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बस 0 को छोड़कर 0 को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, 1 के बारे में, दुनिया का हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हो और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ये दो बातें आप याद रखें। और पहला रूल हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रूल क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल रूल होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, उस नंबर का आप देखिए लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट होती है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए तो आप समझ जाना वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे आपका नंबर कितना भी बड़ा हो। आपको पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ उस नंबर की लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखना है। अब आप सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना, नंबर या तो 0 पे खत्म होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया 0 हर नंबर से डिवाइड होता ही होता है, या नंबर 2 पे खत्म होना चाहिए, या 4 पे, या 6 पे, या 8 पे। तो आप ऐसे भी कह सकते हो,
अगर किसी भी नंबर के अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इस नियम को ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट कौन कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8। अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए इसके लास्ट में 8 है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजल होगा, बिल्कुल होगा। इस नंबर के लास्ट में 9 है, देखिए मैं पूरा नंबर देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूं, लास्ट डिजिट पे। इसके लास्ट में 9 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 307,679, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिविजल नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, ये 0 पे खत्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर 2 से डिविजल है। तो ये रूल होता है 2 का। तो 2 का रूल क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 4 का नियम, 4 का नियम क्या होता है, ए नंबर इज डिविजल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजल बाय 4। जैसे 2 का रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 का नियम होता है अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपको 4 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी, बस आपको क्या चेक करनी है, लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई तो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 48,424, तो मैं सिर्फ किस पे फोकस करूंगा, 24 पे करूंगा। क्या 24 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 4 छक्के 24 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 4 से डिविजल होगा। एक एग्जांपल और देखिए, दूसरे एग्जांपल में जो आखिरी की 2 डिजिट है वो 38 है, जो आखिरी की 2 डिजिट है वो 38 है। अब आप चेक कीजिए, क्या 38 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, 38 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितना सिंपल रूल है, 2 में लास्ट की डिजिट देखते हैं और 4 में लास्ट की 2 डिजिट। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको ना पैटर्न याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा रूल है 8 का, कि कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होगा। अब एक बात आप नोटिस कीजिए, मैंने 2 के बाद 4 क्यों पढ़ाया आपको, 3 क्यों नहीं पढ़ाया, 4 के बाद 5 नहीं पढ़ाया, 8 पढ़ा रहा हूं। इसका कारण है, ये ना 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और ऐसे ही पैटर्न चलता रहता है। तो सुनते रहिए आप लोग, अब जब हम 2 पे चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड है कि नहीं है। 4 में देखिए 2 की पावर 2, तो पावर 2 है ना, तो मैंने क्या चेक करी, लास्ट की 2 डिजिट। अब 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, इसमें क्या चेक करूंगा, लास्ट की 3 डिजिट। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट। तो ये पैटर्न बन गया और ये आगे तक चलता जाएगा। जैसे 32 है, 32 2 की पावर 5 होती है, तो उसमें क्या चेक करेंगे, लास्ट की 5 डिजिट। तो देखिए 8 का रूल, ए नंबर इज डिविजल बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजल बाई 8। कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजल होगा जब उसकी आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिविजल होंगी, क्योंकि 2 की पावर 3 तो आखिरी की 3 डिजिट। तो देखिए जैसे हमारे सामने नंबर है 247,864 और कोई आपसे बोले चेक कीजिए ये 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो मुझे पूरे नंबर से कुछ नहीं लेना देना, बस मैं क्या चेक करूंगा, आखिरी की 3 डिजिट। और आप चेक कीजिए क्या 864 8 से डिवाइड होगा, क्या 864 8 से डिवाइड होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। जब आप 864 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड होगा। अब आपको पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसमें आखिरी में है 3 जीरो। अब मैंने आपको बताया 0 इज डिविजल बाय एवरी नंबर, 0 हर नंबर से डिवाइड होता है 0 को छोड़कर। तो जब आप 3 0 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, 927,716। अगर आप 716 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मैं 716 को 8 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, ये 8 8 जा 64, यहाँ आएगा 7
और 8 9 72, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। इसका मतलब 9 लाख, इसका मतलब क्या हुआ? 9,27,716 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये होता है 8 का नियम। अब देखिए दोस्तों 16 का नियम, जैसे 2 की पावर चल रही है तो 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 4, तो 16 में चेक करते हैं आखिरी की 4 डिजिट। अगर किसी भी नंबर की आखिरी की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसमें है जी आपका 1920, आप चेक कीजिए क्या 1920 16 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 16 × 12 192 होते हैं और जीरो तो फिर आगे जीरो आ ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर जो हमारे सामने लिखा हुआ है 3,41,920, ये 16 से डिवाइड होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 7,51,044। अब इस नंबर को चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? आखिरी की 4 डिजिट। तो आप भाग करके भी देख सकते हैं कैसे, अगर मैं 144 को सॉरी अगर मैं 1044 को 16 से डिवाइड करूं तो 16 × 96, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा माइनस करने के बाद, ऊपर से 4 आ जाएगा और 16 × 5 = 80, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 7,51,044 ये 16 से डिविजल नहीं है। तो ये मैंने आपको सिखाया 2 और 2 की पावर के रूल, और ऐसा आगे भी फॉलो अप कर सकते हैं। 32 में आप क्या चेक करेंगे, आखिरी की 5 डिजिट 32 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 32 क्या होता है 2 की पावर 5, और ये आगे भी रूल चलता रहेगा। देखिए दोस्तों अगला रूल 5 का रूल है। अब 5 का और 2 का रूल सेम होता है, जैसे 2 में हम क्या चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है या नहीं है, ऐसे 5 में क्या चेक करते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 से डिविजल है तो आपका नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप जानते हो अब अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सिर्फ 2 ही अंक ऐसे होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो उस रूल को, अगर किसी भी नंबर के अंत में, किसी भी नंबर के अंत में 0 हो या 5 हो तो नंबर 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जो देखिए कुछ एग्जांपल, 1035, इस नंबर के अंत में 5 है और 5 से डिवाइड होता है, तो हम नंबर क्या है, 5 से डिविजल है, चाहे पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करके देखें चाहे ना देखें। देखिए 24,760, इसके एंड में 0 आ रहा है, 0 भी 5 से डिविजल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, पूरा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। देखिए तीसरा एग्जांपल, एंड में 7 आ रहा है, 7 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो जो नंबर लिखा हुआ है 3,47,677, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको 2 का रूल बताया था, फिर मैंने आपको 4 का बताया, 8 का बताया, 16 का बताया, क्योंकि ये सब 2 की पावर बन रही थी, ऐसे 5 में भी रूल फॉलो होता है। अब 5 की पावर 2 क्या होती है, 25, 5 की पावर 3 क्या होती है, 125, सेम रूल, 5 में चेक करते हैं कि आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 25 में क्या चेक करेंगे, क्योंकि 25 क्या बन रहा है, 5 की पावर 2 बन रहा है, 25 क्या बन रहा है, 5 की पावर 2 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 25 का रूल क्या बन गया, अगर आखिरी की 2 डिजिट, अगर आखिरी की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही है तो आपका नंबर भी 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कितना आसान है बातों को याद रखना, ठीक है जी। तो देखिए कुछ एग्जांपल, 10,025, अंत में 25 आ रहा है, 25 25 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 11,025 भी पूरा पूरा 25 से डिवाइड होगा। देखिए दूसरा एग्जांपल, 36,975, अंत में 2 डिजिट 75 बन रही हैं और 75 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि 25 + 75 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी पूरा का पूरा 25 से डिवाइड होता है जी। इसी तरह देखिए 125 का रूल, 125 का रूल, अब दोस्तों 125 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3, पावर 3 है ना, तो फिर 125 का रूल क्या बनेगा कि आखिरी की 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो रही है तो आपका नंबर भी 125 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा
6,02,375। तो बस मैं आखिरी की तीन डिजिट देखूंगा, क्या 375 को 125 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 375 125 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 125 इंटू 3 375 होते हैं, तो ये पूरा नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। आप चेक करो पूरा चाहे ना कीजिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, लास्ट की तीन डिजिट बन रही है 500, नंबर क्या बन रहा है 500 बन रहा है। क्या 500 125 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 125 चौके 500 होते हैं। तो ये नंबर है आपका 3,72,500, ये भी 25 से डिवाइड सॉरी ये भी 125 से डिवाइड होगा ही होगा। तो दो का रूल याद रखिए और पांच का, और बस पावर के अकॉर्डिंग आगे रूल एक्सटेंड होते रहते हैं जी। तो दो और पांच का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट अगर दो से डिवाइड है तो नंबर भी दो से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट डिजिट पांच से डिवाइड है तो नंबर भी पांच से डिवाइड होगा। और फिर उसी पैटर्न से 4 के 8 के 16 के 25 के और 125 के रूल होते हैं। अगला रूल तीन का है जी। अब तीन का जो रूल होता है ना वो दो और पांच से अलग है। अब यहां पर ऐसा नहीं होता, अगर आखिरी डिजिट तीन से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी तीन से डिवाइड होगा, तीन में ऐसा नहीं होता है। तो सुनिए तीन का नियम क्या होता है। तीन का नियम होता है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजल बाय 3 देन दैट नंबर विल बी डिविजल बाय 3। मतलब आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसके सब अंकों को जोड़ो, उसकी सब डिजिट को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आएगा अगर वो नंबर तीन से डिवाइड होगा तो नंबर भी तीन से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी आपके पास नंबर है आप उसकी सारी की सारे अंकों को जोड़ो, जोड़ के जो आंसर आया है अगर वो तीन से डिवाइड होगा तो नंबर भी तीन से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये होता है तीन का नियम। अब ये नियम क्यों बना है मैं आपको ये भी बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए पहला एग्जांपल, हमने बोला 432, 432 को चेक कीजिए क्या ये तीन से डिविजल है या नहीं है। तो मैं इसके अंकों को जोड़ूंगा, 4 + 3 + 2 9 आएगा जी। अब चेक कीजिए क्या 9 तीन से डिविजल है? बिल्कुल है, अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 432 3 से डिविजल होगा जी। तो अगर आप अंकों को जोड़ें और अंकों को जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसे 3 से डिवाइड कीजिए, अगर वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। अब देखिए अगला एग्जांपल, ये आपके सामने लिखा एग्जांपल 2,08,596। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा, 2 + 0 + 8 + 5 + 9 + 6, और इनको मैं ऐड करके देखूंगा, 10, 15, 24 और ये कितना बन जाएगा 30। और अगर आप 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका नंबर है 2,08,596 ये 3 से डिविजल है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है हमारा, 5,1,7,2,3,2,4 ये हमारे पास एक नंबर है और मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके अंकों को जोड़ूंगा, 5 + 1 + 7 + 2 + 3 + 2 + 4। अब मैं इनको ऐड करके देखता हूँ, 6, 13, 15, 18, 20, 24। अब 24 क्या है, 3 से डिविजल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर भी 3 से डिविजल होगा। अब देखिए मैं आपको बात सिखाता हूँ, या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो या आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। सुनिए कैसे, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ जी, यहाँ देखिए आप, क्या 3 3 से डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है, 3 को काट दो आप, इसको यहाँ मैं ऐड करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब आप ऐसे अंकों को देखिए जिनका सम 3 के टेबल में आ रहा है, जैसे देखिए 5 और 1 6, इन्हें भी काट दो आप, 7 और 2 9, इन्हें भी काट दो आप, क्योंकि 9 2 से डिवाइड होता है, 2 और 4 6, इन्हें भी काट दो आप। तो आप ऐसे भी ना करके सीधा कर सकते हैं, टाइम बचेगा, कंपटीशन में टाइम बचाना ही सबसे मेन होता है। जैसे यहाँ देखिए आप, जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, 9 3 के टेबल में कट जाएगा तो 9 को काट दो आप,
छः कट जाएगा, छः को काट दीजिए। अब जो बाकी जो डिजिट आपकी बची, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होता। आठ और पाँच तेरह, तेरह और दो पंद्रह, सबको काट दो आप ऐसे कर सकते हैं। क्यों हम ऐसे करके देखें, हमारा टाइम बचता है जी। तो ये होता है तीन का नियम। अब आप सुनिए, जैसे दो में जब दो की पावर आप कर रहे थे तो नियम चल रहा था, पाँच में भी ऐसा हुआ था। ऐसे देखिए, तीन का स्क्वायर होता है जी नाइन। तीन का स्क्वायर क्या होता है, नाइन होता है। नाइन भी इसी रूल को फॉलो करता है। क्या रूल, कि अगर डिजिट को आप ऐड करें, अगर आप अंकों को ऐड करें और ऐड करके जो आंसर आया अगर वो नाइन से डिवाइड हो गया तो आपका नंबर भी नाइन से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है वही मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। ये देखिए, अब 243, 243, अब आप इनके अंकों को पूरा ना जोड़ के देखें, आप ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं। सुनिए कैसे, दो और चार छः, छः और तीन नौ, सब नौ आ रहा है, काट दो इन्हें, दो चार छः और तीन नौ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहाँ कोई डिजिट नहीं बची है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकी डिजिट को जो ऐड करके आएगा वो नौ से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा नंबर है 243,243, ये नौ से डिविजल है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल है 574,290। अब या तो आप इनके अंकों को जोड़िए, या आप ऐसे कर सकते हैं, पाँच और चार नौ, सात और दो नौ, और नौ तो नौ से कट ही जाएगा, अब बचा जीरो। जीरो तो हर नंबर से डिविजल होता ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर आपको दे रखा है 574,290, ये नौ से डिविजल है। अब ना ये बस सोचना आप लोग कि तीन की पावर तीन 27 होती है तो 27 में भी ये रूल चलेगा, कि तीन की पावर चार 81 होती है तो 81 में भी रूल चलेगा, नहीं। तीन के केस में ये रूल दो जगह चलता है, तीन की पावर एक तीन और तीन की पावर दो में, नौ, तीन की पावर दो नौ में, बस नौ में चलता है, दो जगह चलता है रूल, तीन में और नौ में, बाकी जगह ये फेल हो जाता है। अब ये क्यों फेल होता है, अब मैं आपको ना ये सिखाता हूँ जी, सुनिए ये क्यों फेल होता है। देखिए, आपके पास अगर दो अंकों का नंबर है, आपके पास अगर क्या दोस्तों, दो अंकों का नंबर है एक्स वाई, इसमें जो आपका एक्स हो गया वो ढाई का अंक हो गया और जो वाई हो गया वो इकाई का अंक हो गया। वाई तो आपका यूनिट प्लेस है और एक्स आपका टेंस प्लेस है। तो जब आप नंबर बनाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टेन एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। टेन एक्स को आप ब्रेक कर सकते हो, नाइन एक्स प्लस एक्स, नाइन एक्स प्लस एक्स। और अब सुनना, अब ये नाइन जो आपको दे रखा है ये नाइन तीन से भी डिवाइड हो रहा है और ये नाइन नौ से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन नाइन 27 से डिवाइड नहीं हो रहा, नाइन 81 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या बना आपका, एक्स प्लस वाई, और x और y का मतलब क्या है, डिजिट है जी। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, डिजिट का सम। इसलिए रूल बनता है तीन और नौ के केस में कि डिजिट का सम अगर तीन से डिवाइड है तो नंबर भी तीन से डिवाइड होगा, और अगर नाइन से डिवाइड हो रहा है डिजिट का सम तो नंबर नाइन से भी डिवाइड होगा। आपको मैं एक तीन अंकों का एग्जाम्पल और देता हूँ। ये आपका हो गया इकाई का अंक, ये ढाई का और ये सैकड़ा, टेंथ प्लेस, वंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस। तो x को किससे इंटू करेंगे, हंड्रेड से, y को 10 से, और इसको आप z रखिए क्योंकि ये वंस प्लेस है। तो ये क्या बन जाएगा, 99x प्लस x, ये 9y प्लस y प्लस z। तो अब देखिए 99x प्लस 9y आप इन्हें एक तरफ कर लो और x प्लस y प्लस z को आप एक तरफ कर लो। अब 99x भी 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है, और 9 भी 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है। फिर आगे क्या बना आपका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड। तो बस इसलिए रूल बना है, और 27 में और 81 में इसलिए फेल हो जाता है इनकी वजह से, क्योंकि ये नंबर 99 और 9 ये 27 से डिवाइड नहीं होते हैं और 9 भी 27 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो डिजिट का सम वाला जो फंडा है ये चलता है 3 पर, और 3 की पावर 2 9 पर चलता है। आगे 3 की पावर 27 81 पर ये रूल फेल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला नियम, अगला नियम 10 का है कि कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा। सबसे आसान नियम होता है, अगर आखिरी डिजिट 0 हो, नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर लास्ट डिजिट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए फिर नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता है। जब देखिए 400,
400 में जो आपका आखिरी डिजिट है वो जीरो है, तो ये 10 से डिवाइड होगा। 1020 जो आखिरी डिजिट है वो जीरो है, तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। अगला एग्जांपल 61450, आखिरी डिजिट जीरो है तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। तो 10 का नियम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और इसमें भी एक अच्छी बात है, अब 10 का स्क्वायर 100 होता है जी, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 का नियम क्या बनेगा, अंत में अगर दो जीरो हैं तो नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000, अगर 1000 का नियम क्या बन गया, अगर किसी भी नंबर के अंत में तीन जीरो है तो वो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 भी पावर वाले रूल को फॉलो करता है। देखिए दोस्तों अगला रूल है 6 का, कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या रूल फॉलो करता है। इफ ए नंबर इज डिविजल बाय बोथ 2 and 3 देन डैट नंबर इज डिविजल बाय 6। अगर इस दुनिया में कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो ये बात 101% होती है जी, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल, पहला एग्जांपल 216। अब आपको चेक करना है क्या 216 6 से डिवाइड है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो पहले चेक करते हैं 2 का। अब देखिए 2 का रूल क्या होता है कि नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 216 2 से डिवाइड होगा, 216 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का रूल क्या होता है कि डिजिट का सम अंकों का योगफल जो आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप चेक कर लीजिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 216 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 पे आप क्या लगा दो, टिक लगा दो। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये जो 216 है ये 6 से डिवाइड होगा क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 25614। तो पहले हम पता करते हैं 2 का लास्ट डिजिट 4 है, 4 2 से डिवाइड होता है, तो 25614 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखते हैं 3 का नियम, 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो 25614 भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि 25614 6 से डिविजल है। अब देखिए अगला नियम है 12 का, कि कोई भी नंबर 12 से डिवाइड कब होता है। इफ ए नंबर इज डिविजल बाय बोथ 3 and 4 देन डेट नंबर इज डिविजल बाय 12। अगर कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि वो नंबर 12 से डिवाइड होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा, यार मैंने 6 वाले केस में 2 और 3 ही क्यों लिया और यहाँ पर मैंने 3 और 4 ही क्यों लिया। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ ताकि आगे जब भी आपके सामने कोई नंबर ऐसा आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ 1 into 12, एक लिख सकता हूँ 2 into 6, एक में लिख सकता हूँ 3 into 4, ऐसे में लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि जो नंबर 2 से और 6 से डिवाइड होता है वही नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। सुनिए इसका कारण है, 2 और 6 ये एक कॉमन फैक्टर है जिससे कट रहे हैं और वो नंबर 2 है जी। हमें ना ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 3 और 4 इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 4 कोई एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 6 का है, 2 और 6 का रूल क्या होता है कि ये 2 से कट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये वाला रूल लगाएंगे कि ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए वो 12 से कटेगा तो ये ना फेल हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 18, देखिए 18 2 से भी कट रहा है, 18 6 से भी कट रहा है, लेकिन क्या 18 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है।
और ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि दो और छः का इस दुनिया में कॉमन फैक्टर होता है और वो दो है, क्योंकि दो भी दो से कट रहा है और छः भी दो से कट रहा है। लेकिन तीन और चार का इस दुनिया में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तीन और चार किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं। हाँ, वन से कट रहे हैं, वो टेंशन मत लीजिए। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जो दुनिया में और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो। इसलिए रूल होता है कि 12 की अगर आपको चेक करना है कि 12 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप क्या चेक कीजिए, वो नंबर तीन और चार से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर नंबर तीन और चार से डिवाइड है तो 12 से होगा ही होगा। तो देखिए आप लोग, पहला एग्जाम्पल 1944। तो पहले मैं चेक करूंगा तीन का नियम। तो देखिए तीन का नियम क्या होता है, डिजिट को ऐड कीजिए, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 तीन से डिविजल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी तीन से डिविजल होगा। चार का नियम क्या होता है, आखिरी की दो डिजिट चार से डिवाइड होनी चाहिए, आखिरी की दो डिजिट क्या है दोस्तों, 44, और 44 चार से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 1944 तीन से भी डिवाइड हो रहा है और चार से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1944 12 से भी डिवाइड होगा ही होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, 9,03,228। तो पहले मैं चेक करता हूँ जी तीन के लिए, 9 और 3 12, और ये 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24। तो 24 8 तीन से डिवाइड होता है, 24 तीन से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी तीन से डिवाइड होगा। अब चार का नियम क्या होता है कि आखिरी के दो डिजिट चार से डिवाइड होने चाहिए, 28 चार से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर चार से भी डिवाइड होगा। और अगर ये नंबर तीन और चार से डिवाइड हो रहा है तो मैं एकदम क्या बोल दूंगा, ये 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये होता है 12 का रोल। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया, हमने 2 और 6 क्यों नहीं लिए, 3 और 4 ही क्यों लिए। अब देखिए अगला कि 15 से कोई नंबर डिवाइड है, इसका रूल क्या होता है। अब 3 5 15 और 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लो जी बन गया रूल कि कोई भी नंबर 15 से डिवाइड कब होगा, अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 50,625। तो पहले मैं चेक करता हूं 3 के लिए। अब 3 का रूल क्या होता है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 3 से डिविजल है, तो नंबर भी 3 से डिविजल होगा। अब चेक करते हैं 5 का रूल क्या होता है, आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए, डैट मीन्स एंड वाला डिजिट या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 है जी अंत में, तो ये 5 से डिवाइड है। 50,625 तीन से भी डिविजल है और 5 से भी डिविजल है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो नंबर मुझे गिवन है 50,625 ये 15 से डिविजल होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 3,125। तो चेक करना है कि 15 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चेक करेंगे 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। पहले 3 से चेक करते हैं, 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये मतलब क्या हुआ, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 5 से चेक करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 15 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर 15 से तभी डिवाइड होता है जब वो 3 से भी हो और 5 से भी हो। तो अगर आप चेक कर रहे हो और आपका 3 का ही रूल फेल हो जाए, 5 को आप चेक करें चाहे ना करें, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। आज की क्लास का आखिरी रूल कि कोई भी नंबर 18 से डिवाइड कब होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन, 18 को मैं 3 × 6 भी लिख सकता हूं और 2 × 9 भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरी डेफिनेशन ने 2 और 9 लिख रखा है कि कोई भी नंबर 18 से तभी डिवाइड माना जाता है अगर वो 2 से भी डिवाइड हो और 9 से भी। अब ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं, क्योंकि 2 और 9 इस दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है, कॉमन नंबर, जो 2 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, लेकिन 3 और 6 को काटने वाला कॉमन नंबर 3 है।
इसलिए ये डेफिनेशन में यूज नहीं होता। यूज क्या होता है? दो और नौ। तो आप हमेशा कहेंगे कि अगर नंबर 18 से डिवाइड है तो वो दो से भी डिवाइड होना चाहिए और नाइन से भी होना चाहिए। तो देखिए आप लोग पहला एग्जांपल देखिए। अब मैं कहता हूं 324, तो मुझे चेक करना है दो पे और नौ पर। अब दो का रूल क्या होता है? आखिरी डिजिट दो से डिवाइड होनी चाहिए। चार दो से डिवाइड है तो इसका मतलब 324 दो से डिवाइड होगा। अब चेक करते हैं नौ पर। नौ का रूल क्या होता है? जो अंकों का योगफल है, जो डिजिट का सम है, वो नाइन से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए तीन और दो पाँच, पाँचों चार नौ, और नौ नौ से डिवाइड होता है तो 324 भी नौ से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 324 दो से भी डिवाइड हो रहा है और नौ से भी हो रहा है, इसका मतलब 18 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल 4608। तो दो और नौ दोनों पर चेक करते हैं, एंड में आठ आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर दो से डिवाइड होगा। अब नौ का चेक करते हैं नियम, नौ का चेक करते हैं। नौ का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ो, चार और छः दस, दस और जीरो जीरो, जीरो छोड़ दीजिए आप लोग, और दस प्लस आठ अठारह, और अठारह भी नौ से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी नौ से डिवाइड होगा। और कोई नंबर अगर दो से डिवाइड होता है और नौ से डिवाइड होता है तो वो अठारह से डिवाइड होता है। तो देखिए दोस्तों कितने सिंपल रूल है, लेकिन दोस्तों अभी रूल और बचते हैं, जैसे 7 का, 11 का, 13 का, ऐसे रूल्स मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा। और एक बात और, मैंने बिना आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ना रूल्स बताए हैं, क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा। अगर दोस्तों आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।